आज हम बनाएंगे काजू के सेब। उसके लिए 1 कप काजू लेंगे और उन्हें बारीक पीस लेंगे। काजू पीसते समय हमें मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, उसे आधे मिनट में 5-6 बार रोक रोक कर चलाएंगे ताकि काजुओं से चिकनाई ना निकले। मैंने काजुओं को पीसने से पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया था ताकि काजू अच्छी तरह से पिस जाएं। हमारे काजू पिस गए हैं, अब इन्हें एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे ताकि हमारे काजू का डो स्मूथ बने। काजू एप्पल बनाने के लिए जितनी मात्रा में काजू लेंगे उससे आधी मात्रा में चीनी लेंगे। काजू की कोई भी मिठाई बनाने के लिए हम नॉनस्टिक बर्तन का यूज करेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन में डालेंगे 1/2 कप चीनी और 1/4 कप पानी। अब इसे एक तार की चाशनी बनने तक लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमने एक प्लास्टिक शीट को पहले ही घी से ग्रीस कर लिया है, जिस पर हम अपने काजू के डो को मसल मसल कर ठंडा करेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब अपनी चाशनी को चेक करेंगे। ये देखिए, चाशनी से तार निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच रोज एसेंस डालेंगे। और साथ ही काजू का पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काजू का पाउडर मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी से हमारे डो में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। अब इसे कढ़ाई से अलग होने तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। कढ़ाई से अलग होते ही हम अपने डो को एक प्लास्टिक शीट पर निकालेंगे। अब इसे मसल मसल कर ठंडा करेंगे। अगर आपका डो ज्यादा टाइट हो जाए तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध डालकर प्लास्टिक शीट पर ही अच्छी तरह से मिला लें। ग्रीस की हुई प्लास्टिक शीट पर मसलने से काजू का डो हमारे हाथों पर नहीं चिपकता और डो पर पपड़ी भी नहीं बनती। एप्पल बनाने से पहले हम अपने हाथों को भी घी से चिकना कर लेंगे ताकि काजू का डो हाथों पर ना चिपके। डो ठंडा हो गया है। अब हथेली पर थोड़े से काजू के डो को फैलाएंगे और बीच में कटे हुए पिस्ते रखकर एप्पल की शेप देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैंने इसी तरह से अपने सारे एप्पल बना लिए हैं। अब इन पर कलर करेंगे। मैंने रेड फूड कलर लिया है। अब एक ब्रश की हेल्प से इसे एप्पल के चारों तरफ हल्का हल्का लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। कलर करने के लिए आप किसी भी ब्रश का यूज कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से अपने सारे एप्पल कलर कर लिए हैं। अब इन पर लौंग लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी एप्पल बने हैं। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें।